हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम सॉल्व करेंगे मिनी क्यूब 3x3, है ना। तो सबसे पहले मैं वाइट का प्लस बना लेता हूँ। ये क्यूब दोस्तों बहुत ही छोटा है, जो कि घुमाने में बहुत ही परेशानी करता है, आसानी से घूमता नहीं है। ये मैंने मार्केट से लिया हुआ है, बहुत ही कम रेटों में। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना प्लस इस मिनी क्यूब में बना चुका हूँ, है ना। अब मैं इनके कॉर्नर पीसों को लगाऊंगा। देखो दोस्तों, हमने एक कॉर्नर पीस लगा चुके हैं, है ना। और कॉर्नर पीस देखते हैं। दोस्तों ये घुमाने में बहुत ही हार्ड जा रहा है, इसकी वजह से स्पीड में कॉर्नर सेट नहीं हो पा रहे हैं। थ्री बाई थ्री का क्यूब है दोस्तों, ये बहुत ही छोटा साइज में है। कम रेटों में आपको 40 या 50 रुपए में मार्केट में आराम से मिल जाएगा, आप इसको ख़रीद सकते हैं, है ना। कि जैसे कि दोस्तों आपने देख लिया है कि मैंने एक लेयर कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं अपने एज पीसेस लगाऊंगा। तो दोस्तों मैं अपने एज पीसेस लगाने वाला हूँ, है ना। दो लग चुकी हैं, दो और बाकी हैं दोस्तों। जैसे ही दो मैं लगा लूँगा, मेरी सेकंड लेयर कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों ये घुमाने में बहुत ही दिक्कत कर रहा है, आसानी से घूम नहीं रहा है ना। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने अपनी सेकंड लेयर भी कंप्लीट कर चुका हूँ ना। अब मेरी थर्ड लेयर रह गई है, जो कि मुझे पहले से ही प्लस बना मिल चुका है। अगर प्लस बना नहीं मिलता तो मुझे प्लस बनाना पड़ता, है ना। अब दोस्तों देखो कि जैसे मेरा ये कॉर्नर पीस मिला हुआ पहले से ही मिल चुका है, तो बाकी के कॉर्नर पीस को सही करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे दो कॉर्नर पीस सही जगह पे सेट भी हो चुके हैं, दो केवल बचे हैं सेट करने के लिए। अब हम इनको बनाते हैं और हमारा क्यूब रेडी हो जाएगा। दोस्तों इसको बनाने में बहुत ही टाइम लग रहा है, क्योंकि ये आसानी से घूम नहीं रहा है। ये सस्ता क्यूब है, मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगा 40 से 50 रुपए के अंदर, है ना। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपना 3x3 का मिनी क्यूब बना चुका हूँ, है ना। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।